हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं G20 ट्रॉयका के बारे में। हम जानेंगे G20 ट्रॉयका क्या है, हम बात करेंगे इसमें आने वाले मेंबर्स के बारे में और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल GKMGS अपडेट पे। तो अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानी कि G20 ट्रॉयका के बारे में, तो G20 ट्रॉयका में 3 देश शामिल होते हैं जो कि G20 के मेंबर होते हैं, यानी कि जो G20 कंट्री है, जो G20 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से तीन कंट्री को लेकर G20 ट्रॉयका बनाया जाता है, जिसमें से तीन में से एक मेंबर हर एक साल रिन्यू होता है, यानी कि एक साल एक मेंबर निकलेगा और उसके जगह एक नया मेंबर शामिल होता रहता है। तो अगर हम बात करें G20 ट्रॉयका में कौन कौन से देश का मतलब मिला के G20 ट्रॉयका बनाया जाता है, तो G20 ट्रॉयका जिस देश में पिछले साल G20 का मीटिंग हुआ था, जिस कंट्री में इस साल मीटिंग होने वाला है होगा और जिस कंट्री में अगले साल मीटिंग होने वाला है, इन तीनों देशों को मिला के G20 ट्रॉयका बनाया जाता है। जैसे कि वर्तमान में अगर हम बात करें G20 ट्रॉयका 2022 में कौन कौन सा मेंबर है, तो G20 ट्रॉयका का मीटिंग 2022 का मीटिंग इंडोनेशिया में होने वाला है, तो एक मेंबर इंडोनेशिया हो जाएगा। G20 ट्रॉयका 2021 में G20 की मीटिंग इटली में हुई थी, तो इसका एक मेंबर इटली हो गया जो पिछले साल था। G20 ट्रॉयका 2022 में की मीटिंग इंडोनेशिया में होगी, तो एक मेंबर ये हो गया जहाँ पे इस साल मीटिंग होगा, और अगले साल मीटिंग होने वाला है 2023 में इंडिया में, तो तीसरा मेंबर है इंडिया, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों कंट्री को मिला के G20 ट्रॉयका का गठन किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को G20 ट्रॉयका के बारे में पता चल गया होगा। इस प्रकार जब 2023 में G20 का नया ट्रॉयका बनेगा, उसमें एक कंट्री आएगा इंडोनेशिया, जिसमें पिछले साल G20 मीटिंग हुई, एक कंट्री हो जाएगा इंडिया जिसमें 2023 में मीटिंग होगी, और तीसरा कंट्री होगा वो कंट्री होगा जिसमें 2024 में G20 की मीटिंग होगी। तो इस प्रकार G20 ट्रॉयका को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को G20 ट्रॉयका समझ में आओ। तो अगर अब हम बात करें G20 ट्रॉयका के बनाने के पीछे का रीज़न, तो G20 ट्रॉयका के बनाने के पीछे का रीज़न ये होता है कि जो G20 की मीटिंग होने वाली है वो शांतिपूर्ण तरीके से और सफलतापूर्वक हो जाए, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें विश्व के 20 सबसे बड़े देश के प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो इसकी मीटिंग बहुत ही सावधानीपूर्वक करनी होती है। इस वजह से उस मीटिंग को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक हो जाए, इसकी वजह से हम ये G20 ट्रॉयका का गठन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को G20 के बारे में, G20 ट्रॉयका के बारे में और G20 ट्रॉयका के बनाने के पीछे के उद्देश्य के बारे में पता चल गया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।